वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं बैगन का भरता। तो आइए देखते हैं बैगन का भरता बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। भरते का बैगन लिया है, इसका वेट लगभग 350 ग्राम है। 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं, 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्चें जिसे मैंने बारीक कट करके रखा है, 1/2 कप धनिया, 4 से 5 कड़ी पत्ता, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच ऑयल, नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने मैगी मसाला लिया है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर भरते में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मैंने इसे ऐसे कट करके रखा है, इससे बैगन में कीड़ा है ये भी पता चल जाएगा और इससे बैगन भी बहुत जल्दी भुना जाएगा। अब मैं इसे गैस पे रख लूँगी। अब हम इसे भूनने के लिए रखेंगे। ये एक तरफ से अच्छे से सीख चुका है, अब मैं इसे पलट के दूसरी तरफ से सेकूंगी। ये अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसे साइड में निकाल के रख लूंगी, पैन रखेंगे। 2 चम्मच ऑयल ऐड करूंगी, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी, कड़ी पत्ता, प्याज, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल रहा है बैगन, हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। मैंने इसे पूरा अच्छे से निकाल लिया है, ऐसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। प्याज अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक हमारा अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुना ना जाए, प्याज अच्छी तरह से। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये ढक्कन लगा के 1 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे ताकि हमारे टमाटर है जो अच्छे से गल जाए। ये भी चेक करते हैं, आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे, इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें 1 चम्मच जितना पानी ऐड करूंगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना और अच्छे से भून जाए। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दूंगी 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुका, आइए अब इसे चेक कर लेते हैं। चीज अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसमें भरता ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें मैं धनिया ऐड करूंगी। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी 3 मिनट के लिए स्लो आंच पे ताकि जो हमारा बैगन है उसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। आइए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। बैगन भी हमारा अच्छी तरह से मसालों में मिक्स हो चुका है, सारी चीजें अच्छी पक चुकी हैं। आइए अब हम इसे सर्व करेंगे।